सुंदर सुंदर से वहाँ से आ गए थे। अब डॉलियों में जा रहे हैं गलियों में बिल्कुल मनाली की घूम घूम के आपको गलियां दिखाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए। गाइस मैं आपको बताऊँ कल हमने एक थाली खाई थी, एक घर वाली थाली, पहले घर जैसा खाना था, बाहर का खा के बोर हो गई थी। आंटी ने क्या थाली बनाई थी, अरहर की दाल थी, मिक्स वेज था, मटर पनीर था, दही था और तवे वाली रोटी थी। वो मेन तवे वाली रोटी के लिए जा रही हूँ, मैं तवे वाली रोटी के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छी थाली बनाई थी, वही लेने जा रहा हूँ। चावल भी थे, इतनी सारी चीजें दी थी, बहुत बढ़िया थाली थी उनकी। और गलियों में बच्चे सो रहे हैं, भैया ढाबा ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सा। वो ढाबा हम भूल गए हैं, हम जगह भूल गए हैं, पूछते हैं। खाना हमारा पैक हो रहा है भैया, थालियाँ हमारी पैक हो रही हैं, तो दो थालियाँ हमने लगवा ली हैं मिक्स वेज की, बहुत अच्छी थालियाँ हैं। और यहाँ से अब निकलेंगे फटाफट, लंच करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे रात। यहाँ पर आ गए हैं सफल ढाबे के ऊपर, बहुत ही अच्छा खाना है यार इनका, बहुत ही बढ़िया खाना है, बिल्कुल घर जैसा है ना। डॉली रात को एक बार ही हमने खाया था, मतलब बिल्कुल हाँ। ये है सफल ढाबा, ये मनाली माल रोड के बिल्कुल जस्ट सामने पड़ता है, एकदम बिल्कुल माल रोड। ये सामने आपको जो बाहर दिखाई दे रहा है ये माल रोड है। माल रोड की ये अंदर वाली मार्केट है, बस आता है इनका ये ढाबा पड़ेगा, सफल वाला ढाबा। यहाँ पर ये मैडम जी बैठे हैं। मैम आपका खाना बहुत अच्छा है, मतलब घर जैसा खाना है। तो ढाबे का नाम सफल ढाबा है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, अगर लोकेशन बता दोगे आप? श्याल महादेव बाली। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। खाना हमने लंच पैक करवा लिया, फटाफट जा रहे हैं। हाँ मुझे पता है डॉगी है, आ जा। और लंच भी जो हमने पैक करवाया, टाइम क्या हो गया डॉली? 5 बजने वाले हैं, 5 बजे हमारा लंच होगा और 4 बजे तो हम वहाँ से आए हैं, ठीक है। और बाकी रोहतांग के बारे में आपको मैं जाके घर में बताऊंगा भाई साहब, क्या क्या दिक्कत है। घर में नहीं है, अपने रूम में जाकर बताएंगे क्या क्या दिक्कत आई है। और मनाली में इस टाइम इतनी गर्मी हो गई है ना, कल मौसम बहुत अच्छा था, आज बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है आज। 5 बजे की रश देख लो आप, यहाँ पर कितना रश हो रखा है 5 बजे ही है ना। डॉली एक चीज दिखाऊँ, ये सारे पैकेट ना ऐसे फूले हुए हैं, ये देख कोई भी पैकेट लेके ना कितने फूले हुए हैं। ये ऑक्सीजन कम होती है ना, अब यहाँ पर भी कम है, यहाँ पे 90 के आसपास ऑक्सीजन है मनाली के अंदर। हाँ ये सारे भी हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले थे काल का, जिसे आए हुए थे वो भी देखे हुए, हैरान हो गए, कह रहे आप भी आए हो यहाँ पर, हम आपको ढूंढ रहे थे, कल भी हमें मिले थे, अभी रोहतांग पास गए हैं। 2-3 सब्सक्राइबर हमें वहाँ पर भी मिले, हर कहीं पे भी आपका प्यार मिल जाता है भाई। बिल्कुल सही। यहाँ पर ना मुझे चलने की आदत हो गई है भाई, मुझे पता नहीं है, मैं 4-4-5 है ना, तो आपको दिक्कत नहीं है ना, 4-4-5-5 किलोमीटर आराम से घूम रहा हूँ, आराम से बस का वो देख लो, पीछे पहाड़ है और यहाँ पर ना गलियों में आराम आराम से। अभी डॉली और मैं गए थे किसी, हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ, आजा आजा। क्या नाम है आपका? सोहन। लोकल हो आप यहाँ के? नहीं, दिल्ली से। अच्छा कौन सी जगह से? बुराड़ी। अच्छा बुराड़ी से आए हुए हैं, तो गाइस जी बुराड़ी से आए हुए लड़का जी, और कह रहे भैया ब्लॉग बना रहे हैं, चलो ब्लॉग में ले लेते हैं इनको। और जाते जाते बहुत सारे लोग मिल जाते हैं यार यहाँ पर। हमने लोकल घर पूछा है यहाँ पर, बहुत अच्छा सा घर देखा है, वेल फिनिश वाला, बस आगे के लिए थोड़ा सा प्लान बनाएंगे, ठीक है, फिर वो भी बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। देख लो ना आप सारे ये वेल फिनिश होते हैं, वेल फिनिश है वाले सारे जो पूछे थे ना हमने, ये सारे वेल फिनिश है। हम ये फैन ढूंढ रहे थे, ये इन्होंने ये देखो ये बहुत अच्छा आई दिया भैया ने, ये होलसेल वाली शॉप भैया ने बता दी है। फैक्ट्री है, बनता है ना। अच्छा फैक्ट्री बनती है, चलो दिल्ली भी ले जाएंगे यार यहाँ से, ये सबको खिला के दिखाएंगे, काफी टेस्ट अच्छा, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा, फ्रेश अभी पैकिंग चल रहा है। चलो मैं देखिए आता हूँ, थैंक यू सो मच सर। फ्री में आ गया हूँ मैं यहाँ पे फैन की, थैंक यू सो मच भैया। कितने का है? 50 रुपीज का, ताजे फैन बन रहे हैं सारे, ये ताजे वाला दे दो ना हमें यार। अच्छा पैक करके रखा हुआ है। तो गाइस ये सारे के सारे अभी बेकरी में, और क्या क्या बनाते हो आप, क्या क्या बनाते हो? अच्छा केक पेस्ट्री, ये पेस्ट्री का बेस है। चलो थैंक यू सो मच सर। मशीनें लगी हो, मशीनों में ये पैकिंग चल रही है, ये देखो धड़ाधड़ गरम गरम। सिर्फ 50 रुपये का पैकेट है ये वाला, एक हमने टेस्ट के लिए ले लिया है। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दिल्ली जाऊंगा ना मैं जब भी, और 4-5 पैकेट लेकर जाऊंगा घर वालों के लिए, सबके लिए, ठीक है ना। वो रास्ता भूल गए थे हम, है ना, रास्ता याद दिलाया था इन्होंने, कह रहा भैया रास्ता नजर आ गया ना आपको, डॉली ने बोला, डॉली ने रास्ता। चलो फटाफट खाना अब खाते हैं, लंच करते हैं जी। हाँ यहाँ से भी आ जाएगा हमारा होटल, यहाँ से भी आ जाएगा, दोनों जगह से आ जाएगा। चलो 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 चलो
वैसे रास्ते गलियों में घूमने का मजा ही अलग है यार, है ना। शांति कितनी है, शांति कितनी है यहाँ पर, है ना। ऐसे फूल ना हर जगह आपको मिलेंगे भाई, इतने मोटे मोटे गुलाब के फूल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। डॉली को फूल दे दिया मैंने भाई, फूल नहीं दिया था, अब गुलाब के फूल भी तोड़ नहीं सकते थे किसी के घर के, हाँ किसी के घर के बाहर लगा था मैंने, तोड़ के डॉली को चुपचाप दे दिया। अब इसकी ये ख्वाहिश है, रोज कितना प्यारा है ये देखो गाइस, पीच पीच कलर का रोज है, ताजा ताजा एकदम बढ़िया सा कलर, पेड़ पौधे बहुत सुंदर, बहुत फूल है। अब डॉली की एक ख्वाहिश है भाई, फल मतलब सेब तोड़ना है, कुछ भी मतलब पेड़ से तोड़ के, पेड़ से तोड़ के खाना है इसने, अब ये ख्वाहिश इसकी पूरी कर देंगे बिल्कुल सही में। ठीक है जी, चलो आओ पहले लंच कराइए। ये हमारी इसमें है मटर पनीर है, पांच आलू की घर जैसी दाल है, ये मिक्स वेज है, बीन्स और आलू की जाके बीन्स लोकल है, आलू की सब्जी है, तवे वाली रोटी सबसे बढ़िया, राइस है, चटनी है, सलाद है, अचार है। हाँ भाई सही है तबीयत, इसने गाइस बहुत ही ला दिया भाई, हमारे आंसू करवा दिए थे एक बारी, तो एक बारी तो आंखों में आंसू आ गए थे डॉली और मेरे भैया, मैं कल ले चल पड़ा बट इसको नीचे भैया, साथ के भी तबीयत भी थोड़ी सी वो लगी है, सो गया है बस, अब खाना खुना खा के तुम रेस्ट करो, मैं ब्लॉग एडिट करके आ रहा हूँ नीचे, ठीक है, फिर शाम को चलो खाना खा। हाँ जी सही लग रही है तबीयत, खाना खा के गाइस बाहर टहलने आ गए मैं और काकू, और दोनों जने हम ना अलग अलग तरह के कैसे फूल हैं यार, ये कौन कौन से होते हैं नाम पता है आपको? नहीं सर मेरे को तो नहीं पता। तो गाइस येलो है, पिंक है, बर्जंटा कलर है, ये सारे वाइट कलर के, कितने इनका गार्डन बड़ा अच्छा बना हुआ है यार, रोज़ के भी फूल हैं, सारे फूल हैं यहाँ पर। सर रूम सर्विस करवा दो जरा, एक बार आ जाओ, दोनों दोनों रूम का करवा दो, 302 303 दोनों रूम की करवा दो, आज गर्मी है यार यहाँ पर जी। कल मौसम सही था भाई, रोहतांग में भी गर्मी थी, जय श्री राम। बैठ गए हैं मासी जी के रूम के अंदर, मासी जी आ गई है, हमारे रूम क्लीन हो रहे हैं, यहाँ ही आ रहे हैं। हाँ जी ठीक हो अब? बढ़िया फर्स्ट क्लास। मेरे उसके वो पैसे बेकार गए ना, वो स्नो ड्रेस के पैसे मैंने डाली नहीं, अरे स्किन स्किन खराब, हाँ स्किन में बड़ी जलन है गाइस, स्किन के अंदर ना सारा लाल लाल से दाने हो गए यार, ये मैंने बहुत नेक लाल हो गए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है ना, सन क्रीम डाल लेते तो आपको सही सूट करता, क्योंकि आपको हवा नहीं लगती और धूप भी नहीं लगती, स्किन वो हवा और धूप तेज थी ना बिल्कुल एकदम, लगी ना पहले धूप से, हाँ सन क्रीम भी लगानी चाहिए थी, गलती कर दी है, चल ठीक है लगाई थी पर वो कितनी देरी रही। अब शाम में चिड़िया चहर चहर करने लगी है, दिल्ली में नहीं दिखाई देती है चिड़िया गाइस, शाम का मौसम देख लो भाई, सब खुलती है ना, हाँ हाँ, तो गाइस शाम का व्यूज देख लो, टाइम तकरीबन कितना का बेटे, पौने सात का टाइम है, और ये देख लो आज थोड़ी सी गर्मी है मगर मौसम फिर भी अच्छा है यार यहाँ पर, ये बाहर का व्यू देख लो एकदम। बहन दूसरी बहन की सेवा कर रही है, अरे नहीं डॉली मैं कह रहा हूँ टाइम देख ले, 7:30 बज गया, बाहर का मौसम बिल्कुल मस्त है एकदम, है ना, 7:30 बजे भी इतनी रोशनी है यहाँ पर, और सोनी भाभी का फोन आया था कि फोटो भेजिए दिल्ली में बारिश हुई है दबा के, दिल्ली में ज्यादा ठंड हो गई है, हाँ से क्या क्या मनाली से, मनाली से जैसे हम यहाँ से दिल्ली से बाहर निकले वहाँ पर और ही पहाड़ों में, ये देखो तो गाइस पहाड़ों में बादल का कुछ पता नहीं रहता ना सारा धुंध, तो भाई ये देखो पूरी बादल ही बादल यहाँ पे, धुंध ही धुंध है, बच्चे खेल रहे हैं सारे बालकनी में, ये देखो सारे हर बालकनी में बच्चे आए हैं यहाँ पर, है ना, गार्डन तो देखा उन्होंने, सबने दिखा दिया गार्डन, गार्डन पार्किंग वगैरह सब देखे, सुबह सुबह का व्यू सही लगता है, जब चिड़िया चहचहाहट कर रही थी कैसा बिल्कुल शांत माहौल, 5:30-6 बजे का बिल्कुल एकदम, है ना। तो गाइस ये फैन लेकर आए थे, चाय हमने मंगवा ली है, ठीक है जी, इन्होंने फ्रेंच फ्राई मंगा लिया, हमने चाय मंगा लिया, फैन खाते हैं फिर चलते बाहर, मैं कॉल करते ना तो मैं कॉल, चाय आ गई और फ्रेंच फ्राई आ गए जी, फ्रेंच फ्राई मंगा लिया हमने और साथ में मंगा लिया चाय और फैन, ये फ्रेंच फ्राई थोड़ा सा नरम नरम डिनर करने के लिए तैयारी हो चुकी है, ये हमारा रंजब सही हो गया है थोड़ी सी, ये पूरा देखो नया, कुछ नहीं होता बेटे गाड़ी में, तेरे को सूट ना कर रही गाड़ी, और पूरा ये अच्छे तरीके से नया कापा का ट्रैक सूट डाल लिया इसने गाय, हाँ और ये डॉलेट गाइस मेरे से ये गलती हो गई भाई, मैंने गर्म कपड़े ज़्यादा रख लिए
और यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, टी शर्ट रख लो, कहते नहीं मेरे तो रहने दो, बस रहने दो, कोई बात नहीं मार्केट से देख लेते हैं, मार्केट से देख लो, मैं नहीं चेंज कर, मैं वही टी शर्ट डाल रहा हूँ, वैसे साफ है। अरे मोटी वाली टी शर्ट मेरे से नहीं डाली जाएंगी यार, मौसम इतना, लोग ने तो टोपी तो मोटी टी शर्ट, अरे उनको आदतें हैं भाई, मेरे को आदत नहीं है, वो लोकल लोग है, लोकल लोग, लोकल लोग जैकेटें वगैरह, टी शर्ट जैकेट मफलर मुफलर सब डाला लोगों ने, अभी मैं बाहर गया ना। हाँ सर, तो टाइम क्या हो गया बाबू? गाइस 9:45 हो चुके हैं, हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने माल रोड, साथ में घूमने के लिए। यहाँ पे काजू कितने सस्ते हैं ना, रोस्टेड वाले, मेरे लिए खाने, वो क्या खुमानी, खुमानी ले लेते, तेरे लिए ड्राई वाली खुमानी ना, बहुत अच्छी ड्राई खुमानी ले लेते हैं। तो गाइस वहाँ पर 1200 रुपए किलो है रोस्टेड वाले काजू, और यहाँ पर तकरीबन 700 रुपए किलो है, बढ़िया है ना। वैसे यहाँ के फ्रेश है आलू बुखारे और खुमानिया, एप्पल, मैं देखो सेब तुरवा, मैं फ्रूट सबसे बेस्ट था, और सुबह सुबह जो चाट खाई थी हमने, फ्रूट चाट क्या बेस्ट थी यार। ओ मैडम, अरे हमारे साथ मैचिंग कर गई, ये भी ग्रीन दीदी भी, तेरी बहन भी ग्रीन डाल दिया, ब्लैक करने थी बच्चों ने, मैं कहा नहीं आज अभी हम दोनों ट्विनिंग चलेंगे, मैं उतारूं जैकेट, फिर हम ऐसे चलेंगे, फिर वैसे चलेंगे, देख एक्साइटेड है तेरी फैन, टी शर्ट मैंने हमने इकट्ठी ली थी इसीलिए पहले, और लेकर ही मैं भूल गई, आपने कहा जितने, हाँ दो दो तीन तीन तुमने जोड़ इकट्ठे लिए थे यार, मेरे भी सर इतने सर्दी के कपड़े ठूस दिए, अभी रास्ते में अगर जाते हुए कोई चीज पसंद आई ले लूं, उठा लूं या टी शर्ट या कुर्ता वगैरह कुछ उठा लूं, मणिकरण साहब जाने के लिए, चल ठीक है काकू, चलो भाई फटाफट जल्दी कर लो, जरा जल्दी चलो निकलो फटाफट, चलो निकलो, आज थोड़ा आराम से आ ही सकते हैं, जल्दी आ जाओ यार काकू, आ बेटे तू आ जा, कैप नहीं डाल रहे तू, कैप आ गए मम्मा, आ रही है। तो गाइस क्या मस्त गार्डन का व्यू आ रहा है, एकदम बढ़िया सा, देख काकू देख रोज कितने सारे है ना, देखो फूल तोड़ना मना है, उल्लंघन करने वाले पे 500 रुपए जुर्माना, समझ गया, फूल तोड़ ले, नहीं मैं पूछ के लूंगा उनसे, गुलाब का फूल मेरे को पसंद है, तेरी मम्मी को दूंगा, नीचे के बने लगे हैं वो, देख पिंक वाले रोज लगे हैं, मैं वो सामने एक मम्मी से पूछ के दूंगा ना उनसे, डॉली 500 रुपए जुर्माना है फूल तोड़ने पर भाई, हाँ मैंने कर, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, 500 रुपए नहीं, मैं गलत काम ऐसे नहीं कर लूं, नहीं मैं पूछ के ले दूंगा यार, भैया वैसे नहीं मना करेंगे, होटल वाले भैया वैसे नहीं मना करेंगे यार, है ना, आज भी कितना रश है यार, ये देखो आलू कल, हाँ सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे ज्यादा रश होता है, हाँ 4-5 बजे खाली था। तो गाइस घूमते घूमते अभी थोड़ा सा थकावट हो गई है भाई, और रश बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रखा है, देखा रश आपको बैक कैमरे में एक बार फिर दिखिए, सारी सुखनी वगैरह सारी चीजें फ्रेश है यहाँ पर, हो गया डिनर हो चुका है, अब क्या लेना है आपने, अभी देखते हैं कुछ ना कुछ सामान लेते हैं घर में, ये वहाँ पर खड़े हो गया सार्थक, हाँ जी सार्थक क्या लेना है, रात के 10:15 बजे का नजारा है यहाँ पर माल रोड का, 10:15 बजे ऐसे लग रहा है डॉली, शाम के 5-6 बज रहे हैं ना, एप्रिकॉट कीवी मिक्स फ्रूट एप्पल और फल, इसका भी जैम है भाई, सारी वैरायटी है, हाँ लेना इसमें से जैम, जैम है बेटे वो, ब्रेड इसका सैंपल भी होता है। तो गाइस यहाँ पर अब ये देखने लग गया सामान, वहाँ पर पसंद नहीं आया था, ये आई लव मनाली कीचेन है ये वाला, हाँ कीचेन होल्डर है, यहाँ से हमने सारे सामान ले लिया देने के लिए, ये आई लव मनाली, ये मनाली भैया ने बड़ा रीजनेबल रेट लगाया, बड़ा आप स्माइल कर रहे हैं, हाँ ये अलग कर दो जी इसका सामान, फ्रेंड वगैरह के लिए जो लेना है इन्होंने, ठीक है ना, फ्रेंड के लिए ले लिया, मुझे भी लेना है, तो तूने भी फ्रेंड के लिए लेना है, मैं फ्रेंड के ले लूंगी, अच्छा जी चलो आओ, थैंक यू भैया सो मच यार आपका, कहाँ पर है मनाली की, कहाँ पर पड़ती है शॉप आपकी, अच्छा टैक्सी स्टैंड के सामने है, ये रहा सामने टैक्सी स्टैंड, चलो ठीक है भैया थैंक यू सो मच आपका शुक्रिया। तो गाइस सबने ले लिए, कौन कौन सा फ्लेवर ले लिया है, भैया प्यारा लग रहा है ये,
ये क्या होता है? वॉल हैंगिंग। वॉल हैंगिंग होती है। चलो ठीक है भाई। हाँ जी, मटक मटक के आ रहे हो? अच्छा, मुझे तो बताइए भाई साहब, दिखा रहे हैं कि ये देखो कितना रश है यहाँ पर। ये फोन उठा के है ना डॉली, माल रोड में कितना रश है। हाँ, ये वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे थे घर में, देखो कितना रश है। ये देखो पूरा, ये ड्राई वाले, ये काजू है, ये खुमानी। खुमानी लेनी है ना तुम्हें? हाँ, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और काजू भी लेनी है? हाँ, ऐसे खाते हैं। खुमानी का भी टेस्ट बढ़िया है। खुमानी खा के देख ले पहले, टेस्ट करके देख ले खुमानी। और क्या क्या पीछे जरा? ये मिक्स फ्रूट का कितने का सारा? ये मिक्स फ्रूट का लेना तुमने? ट्राई करके देखो, तेरी बहन कह रही ट्राई करके देख। ये फ्रेश होते हैं? आप अपने बनाते हो क्या? लोकल बंदे बनाते हैं। सही लग रहा है कविता? अच्छा है। ये दूध में पानी में भिगो गए। हाँ, अच्छा है। शॉपिंग वगैरह हो गई है। वो मैडम जी आ रही है पीछे, सारा ड्राई फ्रूट वगैरह ले लिया हमने। हाँ जी, आओ जी, अब जा रहे हैं हम होटल की तरफ अपने। तुम ऐसे करो, होटल जाओ, मैं वो नीचे जाके ना रिसेप्शन पे ब्लॉग को अपलोड करके आता हूँ यार, कल के लिए। ठीक है? ये फूल देख, कितने सुंदर सुंदर है। यहाँ से फूल तोड़ के दिया था। मौसम सही है ना? हाँ जी। क्या कर रहे हो? नीचे बैठ गए हो? मैं करो नीचे बैठ गए हो? अच्छा, यहाँ के। चलो जी, मैंने अपलोड लगाने के लिए रिसेप्शन पे लगा दिया है फोन। ठीक है ना, अपलोड हो जाएगा सुबह तक ब्लॉग। सही है तबीयत? फिट एंड फाइन है? मैं भैया से पूछा था, एंड ऑल मैंने भैया से पूछा था, भैया कहते लोकल फ्रूट है ना यहाँ पे। नीचे नीचे ना फैक्ट्री है, बाग है, नीचे नीचे बाग है, वहाँ से प्लम्प होगा। हाँ, नहीं कह रहे, कह रहे सेब सही नहीं इस टाइम होगा, प्लम्प ले जाओ। और आलू बुखार प्लम्प हो गया, या वो एप्रिकॉट हो गया, वो ले जाओ, वो सही है। वगैरह कर लिया वहाँ से, हम आ गए हैं और सो गए थे हम, थोड़ा सा उठे। मैं डॉली ब्लॉक का एंड तो किया नहीं है, तो गाइस इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉक का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉक में, और कल जाएंगे कडिम्बा मंदिर, लोकल सारा जगह घूमेंगे, आपको भी साथ में घुमाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। बाय बाय। स्किन सारी हुई है, बहुत ज्यादा ड्राई हो गए ना सारे धूप से, उससे रोहतांग पास ने हालत खराब कर दी भाई, सब ज्यादा ही हो गया।